दोस्तों, मशहूर फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर का डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, सर के पीछे मत मार, यहाँ छोटा दिमाग होता है। अब कोई ऐसा बोले तो तुरंत तो उसे बोल देना कि बेवकूफ, छोटा दिमाग यहाँ नहीं, रीढ़ की हड्डी में होता है। इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। अमेरिका के शोधकर्ता ने हाल ही में मनुष्य की रीढ़ की हड्डी में स्थिर एक छोटे मस्तिष्क का पता लगाया है। इसे ही शोधकर्ताओं ने मनुष्य का छोटा दिमाग माना है। दोस्तों, अगर आप रीढ़ की शारीरिक बनावट के बारे में जानते हैं तो आप जानते होंगे कि रीढ़ की दोनों ओर दो छिद्र होते हैं जो वात नली की तरह होते हैं, जिनसे होकर सभी धमनियां गुजरती है। ये इड़ा और पिंगला यानी बाई और दाहिनी नाड़ी है। शरीर के ऊर्जा कोष में, जिसे प्राणायाम कोष कहा जाता है, 72,000 नाड़ियां होती है। दोस्तों, यह 72,000 नाड़ियां तीन मुख्य नाड़ियां बाई और दाहिनी और मध्यमा यानी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से निकलती है। नाड़ी का मतलब धमनी या नस नहीं है। नाड़ियां शरीर में उस मार्ग या माध्यम की तरह होती है जिनसे प्राण का संचार होता है। इन 72,000 नाड़ियों का कोई भौतिक रूप नहीं है दोस्तों, यानी अगर आप शरीर को काटकर इन्हें देखने की कोशिश करें तो आप इन्हें नहीं देख सकते, लेकिन जैसे जैसे आप अधिक सजग होते हैं आप देख सकते हैं कि ऊर्जा की गति अनियमित नहीं है, वो तय रास्ते से ही गुजर रही है। प्राण या ऊर्जा 72,000 अलग अलग रास्तों से होकर गुजरती है। दोस्तों, इड़ा और पिंगला जीवन की बुनियादी दैत्यता का प्रतीक है। इस दैत्य को हम परंपरागत रूप से शिव और शक्ति के नाम देते हैं। मूल रूप से सुषुम्ना गुणहीन होती है, उसकी अपनी कोई विशेषता नहीं होती है, वो एक तरह से शून्यता या खाली स्थान है। अगर शून्यता है तो उससे आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज बना सकते हैं। सुषुम्ना में ऊर्जा का प्रवेश होते ही आप में वैराग्य आ जाता है। राग का अर्थ होता है दोस्तों रंग, और वैराग्य का अर्थ है रंगहीन होना, यानी आप पारदर्शी हो गए हैं। अगर आप पारदर्शी हो गए हैं तो आपके पीछे लाल रंग होने पर आप भी लाल रंग के हो जाएंगे। अगर आपके पीछे नीला रंग होगा दोस्तों तो आप भी नीले हो जाएंगे। आप निष्पक्ष हो जाते हैं, आप जहाँ भी रहे आप वहीं का एक हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन कोई चीज आपसे चिपकती नहीं है। दोस्तों, आप जीवन के सभी आयामों को खोजने का साहस सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आप वैराग्य की स्थिति में होते हैं। दोस्तों, अभी आप चाहे काफी संतुलित हो, लेकिन अगर किसी वजह से बाहरी स्थिति अशांतपूर्ण हो जाए तो आपकी प्रतिक्रिया में आप भी अशांत हो जाएंगे, क्योंकि इड़ा और पिंगला का स्वभाव ही ऐसा होता है। दोस्तों, अगर आप इड़ा या पिंगला के प्रभाव में है तो आप बाहरी स्थितियों को देखकर प्रतिक्रिया करते हैं। मतलब अगर बाहरी स्थिति अशांतपूर्ण है तो आप भी अशांत हो जाएंगे, अगर बाहरी स्थिति खुश है तो आप भी खुश हो जाएंगे। लेकिन एक बार सुषुम्ना में ऊर्जा का प्रवेश हो जाए तो आप एक नए किस्म के संतुलन को पा लेते हैं, जिसे एक अंदरूनी संतुलन कहते हैं, जिसमें बाहर चाहे जो भी हो दोस्तों आपके अंदर एक खास जगह होती है जो किसी भी तरह की हलचल में कभी अशांत नहीं होती है, जिस पर बाहरी स्थितियों का असर नहीं पड़ता। आप चेतनता की चोटी पर सिर्फ तभी पहुंच सकते हैं दोस्तों जब आप अपने अंदर ये स्थिर अवस्था बना ले। सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करने का सबसे सरल विधि मैं बताने जा रहा हूँ, आप केवल 5 दिन ऐसा करें और फिर रिजल्ट देखें। दोस्तों, तो चलिए सुषुम्ना का रहस्य जान लेते हैं। आपके सामने जो डायग्राम आपको दिखाया गया है उसमें तीन नाड़ियों की बात की गई है। सबसे पहले पिंगला नाड़ी, इड़ा नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, इन तीनों नाड़ियों को आपके श्वास लेने से जोड़ा गया है। अगर गहराई में समझे तो आपके नाक के लेफ्ट क्षेत्र को इड़ा कहा जाता है और राइट को पिंगला नाड़ी कहा जाता है। मतलब कि इड़ा नाड़ी जो आपके नाक क्षेत्र का लेफ्ट हिस्सा है, वहां से आपके लेफ्ट नाक के छिद्र से होती हुई आपके मूलाधार चक्र पर मिलती है, और ऐसे ही पिंगला नाड़ी आपके नाक के राइट क्षेत्र से होते हुए मूलाधार चक्र को जा मिलती है। इन दोनों को मिलाकर ही सुषुम्ना नाड़ी बन रही है। अगर आप साधारण शब्दों में समझे तो श्वास के प्रभाव से जो आपकी इड़ा और पिंगला नाड़ी से ऊर्जा जाती है वो आपके मूलाधार में जाती है, लेकिन मूलाधार चक्र से जो ऊर्जा को उठाने का काम करती है
वो सुषुम्ना नाड़ी करती है जो उसे मूलाधार से उठाकर सहस्त्रार चक्र तक पहुंचा जाती है। लेकिन दोस्तों आप खुद महसूस करो कि अभी भी आप लोगों के दोनों नाक छिद्रों से सांस नहीं चल रहा होगा, या तो अभी इस समय आपके लेफ्ट नाक क्षेत्र से ज्यादा सांस चल रहा होगा या फिर राइट नाक क्षेत्र से। दोनों से कब चलता है? जब आपका मन स्थिर हो जाता है, जब आपका शरीर स्थिर हो जाता है तब आपका दोनों नाक क्षेत्रों से चलता है। और ध्यान के समय अगर आप लोगों की इड़ा नाड़ी यानी कि आपके लेफ्ट नाक क्षेत्र चल रहा है, मतलब कि आपकी इड़ा एक्टिव है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों का मन चंचल रहेगा, आपके विचार आने शुरू हो जाएंगे, अलग अलग रूप से आपके विचार आएंगे, आप लोग ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे लेकिन आपका मन बार बार भटकता रहेगा। यहाँ से आप समझ गए कि आपकी इड़ा एक्टिव है तो आपका मन चंचल रहता है, लेकिन अगर ध्यान के समय आपके राइट नाक क्षेत्र से सांस चल रहा है और लेफ्ट बंद है तो ऐसे में आपकी पिंगला एक्टिव है, और जब पिंगला एक्टिव होती है तो ठीक है मन तो आपका स्थिर रहेगा लेकिन शरीर आप लोगों का ऐसी स्थिति में स्थिर नहीं रहता है, आपका शरीर चंचल रहेगा। जैसे कि ध्यान के समय पर दर्द महसूस होना, कभी पाँव में, कभी आप लोगों के शरीर में दर्द होना, कभी आपके शरीर में खुजली होना, बेचैनी होना, मतलब आपके शरीर में बेचैनी घबराहट आप लोगों को महसूस होती रहेगी, आपके शरीर में किसी न किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस आपको महसूस होती रहेगी दोस्तों। तो ये तब होता है जब आप लोगों की पिंगला नाड़ी एक्टिव होती है। तो आप इसे समझ चुके होंगे कि अगर इड़ा जागृत है तो आपका मन चंचल है, और अगर पिंगला जागृत है तो आपका शरीर चंचल है, और अगर आपके दोनों नाक क्षेत्र से सांस आ रही है यानी आपकी इड़ा और पिंगला दोनों एक्टिव है, और जब ये दोनों एक्टिव होती है तब उस स्थिति में आपके ध्यान के समय आनंद आएगा, यानी कि जब आप ध्यान करते हैं तब दोनों नाक क्षेत्र से अगर सांस आए तो आप समझ लेना कि ये ध्यान में बहुत मदद करेगा। और ये दोनों एक्टिव सिर्फ कुछ समय के लिए होती है, ऐसा नहीं कि जब आप ध्यान में बैठेंगे ये एक्टिव होगी ही नहीं। जब आप ध्यान करते हैं, हल्की सी गहराई में जाओगे तब आप लोगों के साथ ऐसा होगा कि ये दोनों नाड़ियाँ एक्टिव होनी शुरू हो जाएगी। उस स्थिति में यदि ऊर्जा जाकर सुषुम्ना नाड़ी पर टच होती है तब आप ध्यान की गहराई में जाना शुरू हो जाते हैं। तो आपने महसूस किया होगा कि अगर लगातार आप एक घंटा ध्यान करते हैं तो 30 मिनट के बाद ही आप लोगों को ध्यान की गहराई का अनुभव आना शुरू होता है। लेकिन जैसे जैसे आप शरीर की स्थिरता को बढ़ाते हो वैसे वैसे वो समय कम होना शुरू हो जाता है। जैसे कि शुरुआत के 10 मिनट के बाद ही आप बैठते ही ध्यान की गहराई में चले जाएंगे, इस तरह से होना शुरू हो जाता है। यानी कि जो आपकी इड़ा और पिंगला नाड़ी है उन दोनों को जागृत होने का समय भी बढ़ जाता है। जैसे पहले शुरुआत में वह केवल 2 या 3 मिनट जागृत होती है, फिर 5 मिनट जागृत होती है, फिर वो 10 मिनट जागृत होती रहेगी, फिर वो घंटों भर जब तक आप ध्यान में बैठे हैं वो जागृत ही रहेगी। और एक समय तो दोस्तों ऐसा भी आता है जब आप अपने ध्यान से उठ भी जाते हैं फिर भी वो कुछ समय के लिए एक्टिव ही रहती है। कहने का मतलब है कि जब ये दोनों नाड़ियाँ एक्टिव होगी तभी आप लोगों को ध्यान की गहराई का अनुभव होगा, क्योंकि व्यक्ति को ध्यान का फल मिलता है, और फल तब मिलेगा जब दोनों नाड़ियाँ एक्टिव होगी और सुषुम्ना को ऊर्जा दे रही होगी। अब कुछ साधक पूछेंगे कि ऐसा कौन सा समय है जिस समय पर ये दोनों नाड़ियाँ एक्टिव होती है, तो आइए आपको समय भी बता देते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे समय पर ध्यान करेंगे तो तुरंत ही ध्यान की गहराई में जाना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा समय है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर ना तो थका हुआ होगा और ना ही ज़्यादा विचार आपके मन में होंगे। ऐसी स्थिति में दोनों नाड़ियाँ हल्की हल्की एक्टिव ही रहती है, तो ब्रह्म मुहूर्त के समय में ध्यान आपको करना चाहिए, और इसी में दोनों नाड़ियाँ एक्टिव होती है, और यही दोनों नाड़ियों से मिलकर सुषुम्ना का रास्ता शुरू होता है जिसे आप जागृत कर सकते हैं। अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूं तो वह है ध्यान के समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है,
बहुत से साधक ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव नहीं हो पाती है और वहीं से उनका चक्र जागृत नहीं हो पाता है। तो ध्यान से सुनें कि आप लोग जब ध्यान करेंगे तो आपको ऐसा बोला जाता है कि आप लोग अपनी रीढ़ की हड्डी को या फिर अपने शरीर को सीधा रखें। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर आपका शरीर या आपका सर हल्का सा भी जाने अनजाने में आपके लेफ्ट तरफ झुक जाता है तो आपकी इड़ा नाड़ी एक्टिव हो जाती है। और ऐसे ही ध्यान करते करते अगर आपका शरीर या फिर आपका शरीर हल्का सा भी राइट साइड झुक जाता है तो आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिव हो जाती है। आपको इड़ा और पिंगला दोनों को जागृत करना है दोस्तों। अगर वो दोनों को जागृत करना है तो आपको बिल्कुल ही रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठना होगा, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी आपके मध्य में बसी हुई होती है, आपके बीच में है। जब आपकी दोनों नाड़ियों से एक पुल सांस जाएगा तभी आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। इसमें आप लोगों को ज़्यादा अभ्यास या प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अगर आप इस बात को गहराई से समझे, क्योंकि आपने इतना तो समझ ही लिया है कि इड़ा और पिंगला नाड़ी से अगर सांस आपके नाक क्षेत्र से जाए तो सुषुम्ना नाड़ी अपने आप ही एक्टिव होना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये जागृत बहुत कम समय के लिए होती है। तो आपको ऐसा भी होगा कि कोई ऐसा तरीका बताए जिससे दोनों को जागृत कर पाए, तो मैं आपके लिए बिल्कुल सरल विधि भी लेके आया हूँ। आप लोगों को एक काम करना है, जब ध्यान करने के लिए बैठे ईड़ा और पिंगला नाड़ी को जागृत करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिव है, यानी कि किस नाक से आपको सांस आ और जा रही है। जिस नाक क्षेत्र की साइड से सांस आ और जा रही है यानी वो एक्टिव है। आपको अब दूसरी नाड़ी को एक्टिव करना है। जिस नाड़ी को आपको एक्टिव करना है उस नाक क्षेत्र से खुद से ही अनुमान लगाना शुरू करें और उस नाड़ी पर ध्यान लगाएं, और 2 या 3 मिनट बाद ही आप देखेंगे कि आप खुद महसूस करेंगे कि सांस आना और जाना शुरू हो रही है, या फिर लेफ्ट जो आपकी नाक बंद है वो शुरू हो रही है। आप लोग देखेंगे 20 या 30 सेकंड में इधर से सांस आना जाना शुरू हो जाएगी, यानी दोनों नाड़ियां एक्टिव हो जाएगी, और फिर तुरंत आप ध्यान में बैठ जाओ। लंबी लंबी सांसों से ध्यान की शुरुआत करो, या फिर आप एक मेडिटेशन म्यूजिक की भी मदद ले सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार एक तरीका और है सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करने के लिए, अलोम और विलोम करने से भी जागृत होती है। इस सुषुम्ना नाड़ी से आप कुंडली शक्ति और चक्रों को जागृत कर सकते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान जारी रखें।